सरकार ने अनलॉक 1.0 में हेयर सलों खोलने के आदेश दिए और ऐसे में भीलवाड़ा के सलों संचालकों ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें संचालकों ने सलों में सैनिटाइजर मास्क के साथ कई इंतजाम कर ग्राहकों को वायरस से बचाने का यहां पर प्रयास किया। क्या खास इंतजाम किए सलों संचालकों ने, देखे भीलवाड़ा से योगेश शर्मा की खास रिपोर्ट। लॉकडाउन खुलने के बाद सैलून हाउस भी चलने लग गए हैं। सैलूनों में एक प्रॉपर गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए वहाँ पे सैलून का काम चालू हो गया है। ग्राहक आने लग गए हैं, वो अपनी कटिंग करा रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग कर रहे हैं भरपूर। हम देखते हैं, हम आज सैलून हाउस में आए हैं। सैलून में आप देखेंगे गेट पर ही इन्होंने सैनिटाइज की व्यवस्था की हुई है, सैनिटाइजर रखा हुआ है, एक स्टाफ को खड़ा कर रखा है। जो भी कस्टमर आता है उसको ये सबसे पहले हाथ धो के सैनिटाइज कराते हैं, उसको दोनों हाथ धुलाया जाता है, सैनिटाइज उसके पास कुछ सामान है तो उसको साफ किया जाता है, उसके बाद उसका प्रवेश अंदर दिया जाता है। हम अगर देखें कि सैलून हाउस में, सैलून में, स्पा में, इस तरह सबसे पहले आते ही पहले टेम्परेचर को नोट किया जाता है कस्टमर का। अगर उसका टेम्परेचर सही है, उसमें बुखार नहीं है, तो इसको प्रवेश अंदर दिया जाता है। हम देखते हैं कि इनके जो काउंटर है उस पर सबसे पहले एंट्री होती है, काउंटर पर उसका नाम पता लिखा जाता है। यहाँ के संचालक जो हैं राजेश जी, हम उनसे बात करते हैं। तो राजेश जी, आप ये बताएं कि किस तरह आप व्यवस्था करें। नमस्कार, मैं राजेश दाढ़ीवाला स्पा सलून से हूं और हम लोगों ने इसको प्योरली वायरस फ्री सलून के नाम से अभी डिज़ाइन किया है, क्योंकि जिस तरह से नेगेटिविटी जो चल रहा है कि सलून से वायरस फैलता है, तो हमने सबसे पहले यही ध्यान रखा है कि सबसे पहले हम लोग इसको वायरस फ्री बनाए। उसके लिए सबसे पहले हमने सोडियम से और आइसोप्रोफाइल से हमने सैनिटाइज किया और उसके बाद में हम लोगों ने एंट्री स्टार्ट किया। एंट्री के बाद में अगर हम लोग अंदर आते हैं तो जो हमारे इक्विपमेंट्स है, सबसे पहले हम लोग उसको सैनिटाइज करते हैं। इसके लिए हमने एक स्टेरिलाइजर लगा रखा है, ये प्योरली उसको सैनिटाइज करता है। उसके बाद में हमने आइसो प्रोफाइल से हम लोग जो भी हमारे इक्विपमेंट्स है उसको हम लोग सैनिटाइज करते हैं। उसके अलावा हमने पीपीई किट पहन रखे है, जो हमारी ब्यूटी एंड वेलनेस के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको काम किया है। जो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग है 2 मीटर का जो क्राइटेरिया है उसको हमने फॉलो किया है। और देन जो हमारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, जो 2 से ज़्यादा हम लोग क्लाइंट नहीं ले रहे हैं इनसाइड में, और देन उनको प्रॉपरली हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छा वर्क हो और देन वो 100% सेफ रहे, जिससे कि हमारा देश का भविष्य भी अच्छा हो, हमारा भी अच्छा हो। और ये हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारे सलून्स में आ रहा है वो 100% वायरस फ्री रहे और वो हमारे पे विश्वास करे, हम उसके लिए बहुत अच्छा करें। देखिए, हम सैलून के अंदर हैं, किस तरह यह बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करते हुए पीपीई किट पहनते हुए ये पूरी कटिंग हो रही है। कस्टमर का पूरा ध्यान दिया जा रहा है, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दिया जा रहा है, गाइडलाइन का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हम अब एक कस्टमर से बात कर रहे हैं जो कटिंग करा रहे हैं। तो सर, आप ये बताएं, आप कितने समय बाद कटिंग करा रहे हैं और आपको कैसा लगा? जी, मैं 2 से 3 महीने बाद कटिंग करा रहा हूँ और यहाँ पर बिल्कुल सारे सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं, मैं तो 100% सेटिस्फाइड हूँ। आप अगर अभी कटिंग कराने आए हैं तो आपके मन में इस तरह कोई भय तो नहीं है कि मेरे को इसके कटिंग के कारण, सैलून के कारण जो? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाहर भी सैनिटाइज हो रहा है, अंदर भी सब पीपीई किट्स पहन के काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल सब सही है यहाँ पर, ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। हमने देखा है कि सैलून के अंदर जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई हैं, वो पूरी गाइडलाइन के अनुसार इस सैलून में काम हो रहा है और आगे भी इसी तरह होगा। और एक जो मन में भय है कस्टमर के, वो दूर करने का प्रयास किया जा रहा है सैलून होल्डर्स के द्वारा। अब ये देखना है कि ये पटरी पे कितने दिनों में आ पाते हैं और ये अपने जो पहले इनके जो व्यापार हो रहा था वापस कैसे हो पाता है। कैमरा पर्सन गोविंद पैक के साथ योगेश शर्मा, एवन टीवी, भीलवाड़ा।